तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस ब्लॉग में। तभी हम जा रहे हैं सरसई के सबसे फेमस शिव मंदिर के पास। वहाँ पर अभी नया बनकर तैयार हुआ है, तो आपको इस ब्लॉग में बने रहिए और सरसई में दिखाते हैं कैसा शिव मंदिर बना है, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, उस मंदिर का ट्रेंडिंग चल रहा है। तो वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं सरसई के सबसे फेमस शिव मंदिर के पास। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए और आपको दिखाते हैं कैसा ये मंदिर है और क्यों फेमस है। चलिए तो इस ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उसेना घाट से मुर्गिया चौक। मुर्गिया चौक पर यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डलाएंगे, क्योंकि बाइक में पेट्रोल अभी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे पेट्रोल पंप पर और थोड़ा बाइक में पेट्रोल डलाकर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डला लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोल डला रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सरसई के लिए। मुड़िया चौक से सीधे रास्ता जाता है, अगर सराय की तरफ से जाइएगा तो उधर से यहाँ सराय की तरफ से आप भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अशोक पेटिया पर आ गए। यहाँ से अभी लगभग 10-15 किलो के दूरी पर है, तो यहाँ से अशोक पेटिया देख सकते हैं। अशोक चौक है ये। अशोई से अभी कुआरी जाने वाले हैं। अभी हम लोग इमायतपुर के सराय वाला रोड में, हाईवे वाला में आ गए हैं। टू लाइन हाईवे है, तो यहाँ से इस रोड को पकड़ कर लगभग यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर है, तो यहाँ से चलना पड़ेगा 8-10 किलोमीटर। तो अभी हम सरसई पोखर शिव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। सरसई पोखर मंदिर पर आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं शिव मंदिर। यहाँ पर यहाँ बैक कैमरा से थोड़ा दिखाते हैं अभी साइड से किस तरह से शिव मंदिर दिख रहा है। और यहाँ पर अभी मंदिर बंद है, तो हम लोग अभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कभी भी बाद में आएंगे तो वहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मंदिर अभी बंद है।
तो देख सकते हैं ये दक्षिण साइड का एरिया है, किस तरह मस्त दिख रहा है यहाँ से इसका व्यू। और यहाँ पर झूला झूला उला मेला उला इधर साइड लगा हुआ है यहाँ पर इस साइड में, इधर का भाई बनल है देख सकते हैं, हाय हाय कर रहा है। हेलो भाई, अभी जा रहे हैं हम लोग शिव मंदिर के अंदर, देखते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो चलिए अंदर चलते हैं। सभी यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी पर से चलते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है देखने को, कुछ नहीं है देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर हम लोग। यहाँ से पोखरी का व्यू देख सकते हैं, यहाँ से मस्त। इस फ्लोर पर अभी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, फर्स्ट फ्लोर है और चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। चलिए तीसरे मंच के मंदिर भगवान संगे यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी हम लोग का सपा हिंदू धर्म का जितने भी फेमस मंदिर है वहाँ पर, यहाँ पर पिक्चर बनाया हुआ है। अभी ये मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, कुछ दिन में तैयार हो जाएगा तो उसके बाद पूरी दिखाएंगे। इसी मंदिर में हम शादी कराएंगे, थोड़ा फेमस मंदिर है यहाँ कहाँ का महाराष्ट्र का। हम लोग थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखते हैं थर्ड फ्लोर पर जाने का रास्ता है कि बंद कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर पर आ गए, थर्ड फ्लोर पर आ गए। यहाँ पर गेट बंद है क्योंकि अभी पूरी तरह से मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए इसको गेट बंद कर रखा हुआ है। जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद गेट को खोल दिया जाएगा, ताला मारा हुआ है क्योंकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है इस मंदिर का। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, ऐसा लग रहा है देख सकते हैं। तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, उद्घाटन के लिए बचा हुआ है, इसलिए पब्लिक के लिए अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। तो इसलिए अब लोग हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर के लिए, थोड़ा मेला उला देखेंगे उसके बाद। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का सीन में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। धर्मा चश्मा देखे तो पीछे तो अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और पीछे से व्यू देखेंगे इसका कैसे दिख रहा है, और चलिए नीचे चलते हैं। देख सकते हैं क्या रखा हुआ है, पता नहीं पीछे मंदिर के पीछे सबसे नीचा कुछ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो दोनों छोरा झगड़ा कर रहा है, दोनों छोरा उठा पटक करो।
तो अभी हम लोग नंदी जी को दिखाते हैं, शिव जी का बार हाथ या नंदी जी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे नंदी जी को दिखाओ थोड़ा, ये हमारे नंदी जी है और ये हमारे शिव जी है, इधर दिखाओ शिव जी यहाँ है और यहाँ पर नंदी जी है। और शिव जी के माथे पर कौन है जी? गंगा मैया। शिव जी के माथे पर शायद गंगा मैया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इधर साइड से थोड़ा नंदी महाराज को दिखाओ, इधर पर कुंटल का नंदी मैया रे। हाँ घुसा रहे थे ना, कह टन करती ना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ से निकल रहे, फिर बाद में कभी आएंगे। रुक रहे बैठने दो, चलो बैठ जा और यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। गिराएगा क्या? देखे चला कैसे कर रहा है इसे, गिर पटक देगा, पटक देगा। क्या कर रहा है छोड़ा सा, क्या कर रहा है? सीढ़ी पर से बाइक उतार रहा है, तनको डर ना लगता है छोड़ा सा के? अरे रस्सी खुला हुआ है बाइक के। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ मेला लगा हुआ है, जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर। खर्चा कौन कौन करेगा? तो भी यहाँ का झुलवा बंद है, चलो 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 चल जाएगा। तो अभी हम लोग मेला से निकल रहे हैं और घर के लिए जा रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं अभी शाम लगभग कितना बज गया, टाइम कितना बजा है तक घड़ी में देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 6:40 हो गया, 6:40। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए और थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। एक लड़का है जो खर्चा करेगा, समोसा खिलाएगा, जिसका नाम है बनल। बनल जो वीडियो के बीच में हमेशा बोलते रहता है, सारा वीडियो जितना वीडियो बनाए वहाँ से खराब का कर दिया, इसीलिए गाड़ी यही बनल है। यहाँ का पार्किंग मस्त है, यहाँ पर देखते थे नदी, इस साइड भी नदी और इस साइड भी नदी, नदी ही नदी, नदी ही नदी दिख रहा है। चलिए तो हम लोग कहाँ निकल रहे हैं? कुशेरा घाट के चला रहा है, कुशेरा घाट से। अरे कहाँ मरवा रहा है? तो अभी हम यहाँ पर चौक पर आ चुके हैं और तो अभी हम लोग हाईवे से घर के लिए निकल रहे हैं, उधर से आए थे गाँव के साइड से आए थे और यहाँ से भी गजब दिख रहा है। तो चलिए तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और बहुत सारा फरदान है। देख सकते बनल के कैसे चला रहा है गाड़ी, बनल गाड़ी चल दिमाग खराब कर रहा है, वीडियो भी खराब कर रहा है, पटक देगा। लोहरिया घाट चला रहा है, रेलिया घाट ही बनल है, से श्री भगवान के बनल है हमारा साथ। अभी हम लोग हाईवे में आ चुके हैं, यहाँ पर हाईवे हवेली है। तो हम लोग को नहीं खिया रहा है, लेकवा से नहीं खिया रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है, तो हम लोग घरे जा रहे हैं। यहाँ पर NH 22 पर आ गए, NH 22 पर होते ही भगवानपुर होकर और भगवानपुर होने के बाद कुशेरा घाट होते हुए घर के लिए निकल जाएंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं एक कौन सा होटल है, देसी मसाला, देसी मसाला होटल। तो अभी हम आ चुके हैं भगवानपुर के बिरला चौक पर, यहाँ पर होटल है, तो इसमें हम समोसा खाएंगे जो एकदम घटिया समोसा किया जाता है बिरला चौक पर। तो अभी बिरला चौक पर समोसा खाना चाहते हैं तो नहीं खाइए क्योंकि यहाँ पर अच्छा समोसा नहीं मिलता है। तो आज के इस ब्लॉग के यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हम लोग घर पर आ चुके हैं। और इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस ब्लॉग के। चलिए तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।